नमस्कार बच्चों, थर्ड क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपकी पाठ्यपुस्तक के 12 पाठ कर चुके हैं और 13वां पाठ भी आपका चल रहा है। अभी उससे पहले हम अनुच्छेद करेंगे, लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची, परिभाषा, पत्र सब कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे अनुच्छेद। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको पता हो अनुच्छेद क्या होता है? एक होता है निबंध, वो हम उसको एक्सप्लेन करके बड़ा लिखते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद होता है इसको हम संक्षेप में लिखते हैं। किसी भी विषय पर संक्षेप में लिखना, थोड़े शब्दों में अपनी बात को समझाना और हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होना और थोड़े शब्दों में अपनी बात समझाना। जो भी विषय हम लें अनुच्छेद के लिए, उस विषय पर थोड़े शब्दों में ज़्यादा समझा देना, वो कहलाता है अनुच्छेद। और हर वाक्य एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक वाक्य दूसरे को पूरा करता हुआ, समझाता हुआ, और लिंक होने चाहिए वो आपस में, ठीक है? तो अभी हम करेंगे दीपावली पर अनुच्छेद। भारत त्योहारों का देश है। बच्चों, आप सबको पता है भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू लोग दीपावली को मनाते हैं, ये उनका प्रमुख त्यौहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं और जो लड़ियां भी लगाते हैं, है ना, लड़ियां लगाते हैं, झूमर लगाते हैं, दीप जलाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं। लेकिन हमें शॉर्ट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, तो ये सारी बातें ना लिख कर हमने लिखा दीप जलाए जाते हैं। दीपावली से लोग घरों और दुकानों की, अब ये दीपावली में लोग घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दीपावली से पहले लोग घरों और दुकानों की सफाई करते हैं, से पहले लिख देना इसमें। और यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम को वनवास किसने दिया था और वनवास होता क्या है। भगवान राम को उनके पिताजी ने ही वनवास भेजा था, उनकी माता के कहने पर। और 14 वर्ष का वनवास काटकर, वन में घूमकर, वन में रहकर वो अयोध्या वापस लौटे थे। उसी दिन जो अयोध्या वासी हैं, उन्होंने घी के दिए जलाए थे। अब उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। इस दिन किसकी पूजा करते हैं, कौन से भगवान पूजे जाते हैं? लक्ष्मी गणेश। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब जब वनवास को गए थे भगवान राम, तो वहाँ उनका रावण से युद्ध हुआ था, और रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, राम अच्छाई का प्रतीक है, और रावण पर राम ने विजय पाई थी, इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सबको अपने पर्यावरण को साफ रखना है। अब ये हमारे लिए है कि हम क्या करेंगे दीपावली पर, इसलिए हम प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएंगे। मैं भी और आप सब बच्चे भी इस बात का ध्यान रखेंगे और ये प्रण करेंगे अपने आप से, किसी और के सामने नहीं, अपने आप से ये प्रण लेंगे, अपने मन से ये प्रण लेंगे कि बम, पटाखे, प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी जो सामग्री है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब एक बम आप छोड़ते हैं, उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना प्रदूषण होता है और कितना शोर होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो आप ये प्रण ले लें कि हम इस बार दीपावली प्रदूषण मुक्त मनाएंगे। दीप जलाओ, लड़ियाँ लगाओ और फूलों से सजाओ घर को,
और ऐसे कैंडल इतनी अच्छी अच्छी मोमबत्तियाँ आती हैं वो लगाओ, लेकिन बम पटाखे ना छुड़ाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, अपने पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और उसे शुद्ध रखना चाहते हैं। इसलिए कैसे दीपावली मनाएंगे? प्रदूषण मुक्त। आप मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे, प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएंगे। हम सब प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।